हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने केवल आपको रिलेशन के बारे में बताया था, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, बहुत एग्जांपल दिए थे और उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और उस लेक्चर की लिंक भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आज मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो आपका नया अगर पहला लेक्चर न देखा हो तो प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, तो ये सेकंड लेक्चर आपको वेरी वेरी ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक खोल लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रिलेशन बताया था, आज सारी क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए पहला लेक्चर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। सेट दे रखे होंगे अलग अलग टाइप के सेट, सेट को समझना है, फिर आपको रिलेशन बनाना है, फिर वहां में ये देखना है कि कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करते। रिलेशन मैंने बताए थे कि केवल तीन प्रॉपर्टी हैं। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तीनों रिलेशन के मैंने एग्जांपल कई एग्जांपल दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो आज दोबारा यहाँ हम क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है वैसे ये डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये कह रहा है कि जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें आप निकालिए, डिटरमाइन करिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और या ट्रांजिटिव है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। रिलेशन आर सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक और डिफाइन करवा रहा है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। इससे मुझे पहले रिलेशन बनाना है, सेट दे रखा है और रिलेशन यानी इस कंडीशन में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें नया रिलेशन बनाना है और देखना है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो एक तो इसने रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक, 14 तक, और रिलेशन इसने दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। इतना दे रखा है, तो एक बात बताओ 3x - y = 0 तो 3x = y। एक्स के एलिमेंट आप कहां तक रख सकते हैं, 14 तक, लेकिन हम डोमेन तो रखेंगे जो रेंज है वो भी 14 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो आपको कहां तक रखना है वो मैं बता रहा हूं रिलेशन में। तो रिलेशन इसका बनेगा, अगर यहां 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 हो गई, दूसरा रिलेशन अगर यहाँ 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, 3 = 6 हो गई, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 हो गई, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 3 = 12 हो गई, अगर 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगी, और 15 तक में बनेगा ही नहीं रिलेशन, 14 तक ही रिलेशन बन रहा है। तो टोटल रिलेशन यही, x की वैल्यू आप 4 तक रखेंगे तो y का मान 12 है, अगर आप यहाँ 5 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इसके अंदर है ही नहीं, तो टोटल रिलेशन ये बना। अब मुझे देखना है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव बनता है कि नहीं, सिमेट्रिक बनता है कि नहीं, ट्रांजिस्टिव बनता है कि नहीं। तो चलिए, तो पहला रिलेशन हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमने क्या देखा है यार, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बट 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आप समझ ही चुके होंगे, स्वयं से रिलेशन मैंने लेक्चर 1 में अच्छी तरह डिफाइन किया है। मैंने तो ये 1, 1 लिखा है, आप 2, 2 लिख सकते हैं, 14, 14 लिख सकते हैं, कहीं तक। रिफ्लेक्सिव का रिलेशन का मतलब है स्वयं से रिलेशन। इसमें 1 तो था लेकिन इसके अंदर मुझे 1, 1 मिला ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव कहां से होगा। आप 2, 2 दिखा सकते हैं, एक ही दिखाएंगे, ये नहीं है कि बहुत सारे दिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कोई सा एक दिखा दीजिए। इसका मतलब 1, 1 इसके अंदर नहीं है। फिर भी कह रहा हूं प्लीज, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर देखें, तो ये लेक्चर आपको वेरी वेरी इजी लगेगा और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा लेते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, A का रिलेशन B से दिख रहा हो तो B का रिलेशन A से दिखाई देना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1, 3 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा R के, है ही नहीं। 1, 3 तो है लेकिन 3, 1 तो इसमें है ही नहीं। आप कोई और ले ले, 2, 6 तो है लेकिन 6, 2 तो इसमें है ही नहीं। तो आप कोई से और भी ले सकते हैं, ये नहीं कि मेरा ही टीप के करें, आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। इसीलिए R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए तीसरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी में ट्रांजिस्टिव रिलेशन होना चाहिए। कोई सा मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, चलिए 2,6 ले लेते हैं, 2,6 बिलोंग्स टू आर। अगला जो रिलेशन यहाँ में होना चाहिए उसमें 6 एलिमेंट आना चाहिए तभी बन सकता है, इसमें ही 6 है और तो कहीं है ही नहीं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। बट 6 इज नॉट नेस्ट पेयर, कोई नेस्ट पेयर यहाँ जो बनने का इनमें 6 है ही नहीं, इसीलिए R इज नॉट ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है ट्रांजिस्टिव, क्वेश्चन तो आपको यहीं तक करना है, मैं रफ बता रहा हूं। A B belongs to R, B C belongs to R, देखो यहां 6 है तो यहां 6 भी होना चाहिए दूसरे लेने के लिए पेयर से, तो 6 तो कहीं है ही नहीं इसीलिए लिखा है, और होता क्या बी से बी हट जाता है, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये अगर है तो ट्रांजिस्टिव कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऐसा भी इसमें नहीं निकला किसी का भी, 3,9 का 9,3 भी नहीं है। चलिए मैं कह रहा हूं ए ए बिलोंग्स टू आर, सेम एलिमेंट ऐसा ए ए, या में 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 कोई भी सेम है ही नहीं, इसका मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव निकला, ना ट्रांजिस्टिव निकला, ना ही सिमेट्रिक निकला। सेकंड पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, डिफाइन एज आर, दे रखा है इसने, ये सेकंड पार्ट है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू 4 से कम है अर्थात 3 तक रखेंगे हम, 1, 2, 3। तो देखिए रिलेशन क्या बनाता हूं, अगर यहां x इक्वल 1 रख दूं तो y की वैल्यू 6 हो गई, x इक्वल टू 2 रख दूं तो y की वैल्यू 7 हो गई, x इक्वल टू 3 रख दूं तो y की वैल्यू 8 हो गई, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम है और नेचुरल नंबर कहा था इसीलिए मैं 0 भी नहीं ले सकता था। ठीक है, 0 में नेचुरल नंबर नहीं आता, 1 से शुरू होते हैं, तो बस फिर वही कहानी है। पहला रिलेशन हमने क्या देखा, सेट जो बनता वो ए सेट अगर बनता, यहां मान लीजिए ए बराबर बनता 1, 2, 3, इतने बनते, 4 से कम ही रहते, तो मैंने क्या देखा 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, हेयर 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर 1,1 नहीं है इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R is not reflexive. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक, हम इसी को लेते हैं 1,6 belongs to R, तो 6,1 इसमें है ही नहीं, does not belongs to R, मैंने तो ये लिया, आप 2,7 भी ले सकते हैं, ठीक है आप अपना माइंड लगाइए, ठीक है तो 6,1 इसमें नहीं है इसीलिए R is not symmetric. रिलेशन, तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टिव लेते हैं, ट्रांजिस्टिव में मैंने ले लिया 1,6 belongs to R, देखा तो इसमें 6 तो है ही नहीं, आगे यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, तो यहां लिख देंगे हेयर 6 इज नॉट नेस्ट पेयर इसीलिए R इज नॉट ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है थर्ड पार्ट में 1, 2, 3 डॉट डॉट कहां तक 6 तक दे रखे हैं, एज और रिलेशन दे रखा है इसमें एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजुअल वाई एक्स इज डिविजुअल वाई एक्स, इसका मतलब है रेंज में डोमेन की डिवाइड हो रही है, जैसे 6 में डिवाइड 3 की हो जाएगी लेकिन 3 की डिवाइड 6 में नहीं होगी क्योंकि वहां रेशनल नंबर आ जाएगा, इस कंडीशन में मुझे यह देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, 6 की डिवाइड 6 में कर दो तो 1 और 1 सेट के अंदर है, तो चलिए पहला रूल देखिए, इसका ले रहा हूं मैं a कॉमा a belongs to R such that a इज डिविजुअल वाई ए, इट फॉलो दैट a डिवाइड वाई ए इक्वल टू 1, 1 इज बिलोंग्स टू R, दूसरी भाषा में लिख सकता हूं
टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब टू इज डिवाइड बाई टू फिर वी वन, जहां पर वन बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, आंसर मिलना चाहिए, वन इसके अंदर है, तो इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए मैं ले रहा हूं इनमें से सिक्स, चलो सिक्स ही ले रहा हूं, सिक्स रिलेशन टू, तब टू रिलेशन सिक्स नहीं हो सकता, पूछो कैसे, क्योंकि सिक्स इज डिविजुअल बाय टू है, बट टू इज नॉट डिविजुअल बाय सिक्स। कैसे, लो सिक्स डिवाइड बाय टू कितना, थ्री, लेकिन टू डिवाइड बाय सिक्स कितना, वन अपॉन थ्री, अरे वन अपॉन थ्री तो है ही नहीं, थ्री तो इसके अंदर है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिक्स रिलेशन टू, दिस इंप्लाइज टू रिलेशन नहीं है सिक्स के, इसीलिए रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। चलो मैं लेता हूं ऐसे, टू इज डिविजुअल बाय वन, मैंने इतना लिख दिया है, और फोर इज डिविजुअल बाय टू, टू में इसकी वन की करेंगे तो टू आएगा, फोर में करेंगे तो टू आएगा, टू से टू हट गया, तो फोर इज डिविजुअल बाय वन। अब दोबारा समझिए, इसी में से लेने हैं, डिविजुअल दिखाना है, देखो टू डिवाइड बाय वन है, फोर डिवाइड बाय टू है, टू से टू हट गया तो फोर इज डिवाइड बाय वन, इसका आंसर टू आएगा है, इसका आंसर भी टू आएगा है, इसका आंसर कितना आएगा, फोर आएगा है, ट्रांजिस्टिव तो बन रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वन रिलेशन टू और टू रिलेशन फोर, इसका मतलब कितना, वन रिलेशन फोर, देख लो ये, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वन का रिलेशन टू से और टू का रिलेशन फोर से, तो वन का रिलेशन फोर से, इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिस्टिव निकला, तो रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। तो समझ में आ गया, केवल डिवाइड थी इसमें, डिवाइड में अगर रेशनल नंबर आ जाए, जैसे कि मैंने यहां बताया था वन बाई थ्री, तो कहां से हो जाएगा, सभी इंटीजर आने चाहिए, जो वो कह रहा है वो आने चाहिए। क्या कह रहा था थर्ड क्वेश्चन में, रियल नंबर, ठीक है ना, तो रियल नंबर में तो ये भी है, मैं भी गलत बोल गया ना, रियल नंबर, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर्स आप जानते होंगे, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, इवन इंटीजर जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, इवन इंटीजर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट करके, ठीक है। तो ये कह रहा है रिलेशन आर इन द जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन, ऐसे डिफाइन करा रहा है, ये फोर्थ पार्ट है। तो ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव में सेम आता है, तो मान लीजिए लेट x belongs to integer i, तो मैं ले रहा हूं x comma x belongs to r, it follow that x minus x, ठीक है, और is even integer, कितना आया, जीरो, is even integer, जहां पर जीरो belongs to i, और even, केवल even लिखे देता हूं, इसका मतलब ये सही निकला, मैंने दो सेम इंटीजर लिए, उनको माइनस किया, आंसर जीरो आया, और जीरो हम किस में रखते हैं, इवन इंटीजर में। चलिए दूसरी, अब रिलेशन, इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी सिमेट्रिक, तो इसी को ले रहे हैं, ये दे रखा है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर, ऐसे ही तो कह रहा है, मैं इसे दूसरी भाषा में लिख दूं, बोलो देखो मैं लिख रहा हूं x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x माइनस वाई इज इवन इंटीजर, इसे मैं माइनस कोमा ले लू इज इवन इंटीजर, यहां मोड भी लगा देते हैं लोग, लेकिन मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला था इवन इंटीजर जीरो प्लस माइनस टू,
प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इस माइनस को आप हटा देंगे, y माइनस एक्स इज इवन इंटीजर। क्यों हटा दिया सर? आपको ये पता है कि टू इवन इंटीजर है, मैंने कह दिया माइनस टू भी तो इवन है, इवन दोनों हैं, इसलिए अगर मॉड लगाओ तो चक्कर फंस जाता है, मॉड बोर्ड की जरूरत नहीं है यहाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में भी है ये सब। तो मैं अब इसे क्या लिखूंगा, यहां था x माइनस वाई, तो क्या लिख रहा था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहां है वाई माइनस एक्स, तो क्या लिखेगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इट फॉलो दैट मैंने क्या लिया था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, प्रूफ करके दिखा दिया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव कैसे करते हैं वो देखिए, मैं यहां रफ बता रहा हूं, इधर बता रहा हूं रफ, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तब और ये इवन आने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, ठीक है। तो चलिए मैं यही ले रहा हूं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, अब इसे सॉल्व करो, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर, यहां एंड लिखेंगे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड इज इवन इंटीजर। अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड इज इवन इंटीजर, फिर यहां प्लस का साइन लगाएंगे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इवन इंटीजर। गुरुजी प्लस क्यों लगा रहे हो, अरे पागल, टू प्लस फोर जोड़ेगा, दोनों इवन है, तो आंसर क्या और आएगा, इवन ही आएगा। आप दो इवन इंटीजर ऐड करके देखिए, आंसर इवन ही आता है। तो ये y से y कट गया, तो मैं यहां लिखे देता हूं, तो ये बना x माइनस जेड इज इवन इंटीजर। इट फॉलो दैट x जेड बिलोंग्स टू r। अब दोबारा लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन था यहां, x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तो प्रूफ कर दिया x z बिलोंग्स टू r, देख लो, इसीलिए r इज ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, अगर इसका फिफ्थ पार्ट आप कर ले तो अच्छी बात है, फिफ्थ पार्ट ऐसा ही है, सेम आप कर लीजिए, मैंने चार पार्ट कर दिए। सो दैट क्वेश्चन नंबर टू, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है, डिफाइन कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर टू, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिस्टिव। ये ना रिफ्लेक्सिव है, प्रूफ करके दिखाना है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिस्टिव है। अब देखिए, इसने लिखा रियल नंबर बता रहा है, 2 इज लेस देन एंड इक्वल 2 का स्क्वायर, ये तो सही नहीं है, कहाँ से हो जाएगा बराबर, होंगे ही नहीं। चलिए 2 का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4 और 4 का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 2, तो ये कहाँ के सही है, होंगे ही नहीं, ऐसे ही ट्रांजिस्टिव नहीं होंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट ए ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब a इज लेस देन एंड इक्वल ए स्क्वायर, ये बराबर या बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम है, यहां वर्ग हो रहा है, तो विच इज नॉट ट्रू। इसीलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहली बात समझ में आ गई, a इज लेस देन एंड इक्वल ए स्क्वायर, छोटा तो हो सकता है, बराबर कहां से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां 2 रखूं, यहां 2 रखूं तो यहां तो 4 हो गए, तो बड़ा है, समझ गए। आइए अब दूसरा लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर, बी ए बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट बी इज लेस देन एंड इक्वल ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, ये तो अलग अलग है, यहां बी का मान ज्यादा है और यहां ए का मान ज्यादा है। तो हमने क्या देखा, यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा आर के, दूसरी भाषा में ए रिलेशन बी है लेकिन बी रिलेशन ए के नहीं है। अब मैं और समझा रहा हूं आपको, अच्छा एग्जाम्पल देके यही ले रहा हूं, माइनस वन इज लेस देन फोर का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज फोर इज लेस देन एंड इक्वल माइनस वन का स्क्वायर,
देखिए कैसे माइनस ही ले लिया है, पहले तो ये 16 है, ये बड़ा ही होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मैंने उल्टा किया तो ये 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 बड़ा होगा, 1 बड़ा नहीं हो सकता ना बराबर हो सकता। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, तीसरा रिलेशन ले रहा हूं ऐसे ही मैं, था तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लिख देते हैं, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना? तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बी है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मैंने तुम्हें समझा दिया, ऐसे पेपर में नहीं लिखना, ये एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको समझाया है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मुझे प्रूफ करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ये देखना है ऐसे होता है कि नहीं, होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? इसके लिए लिख सकते हैं आप ए इज लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर, बी इज लेस देन एंड इक्वल सी स्क्वायर। यहाँ ए इज लेस देन एंड इक्वल सी स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा? इधर देखो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से भी सी बड़ी है, तो ये कहाँ हो जाएगा? बराबर होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ चलिए, टू इज लेस देन एंड इक्वल -3 का स्क्वायर, -3 इज लेस देन एंड इक्वल 1 का स्क्वायर, तो -3 से तो -3 हटा, टू इज लेस देन एंड इक्वल 1 का स्क्वायर ले लो। नोट दिखाना है ना, तो यही सही नहीं है आपस में, ये 2 बड़ा होगा, 1 बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, इसीलिए रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट, ए सेट दे रखा है, क्वेश्चन 3, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एलिमेंट दे रखे हैं उसने 6 तक, एज रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये कह रहा है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, सिमेट्रिक होगा या नहीं और ट्रांजिस्टिव होगा या नहीं, हमें चेक करना है। चलिए पहले तो हम रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन बनाइए, यहां एक ही जगह पे 1 रखेंगे तो बी का मान 2 आ जाएगा, अगर यहां 2 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 रखेंगे तो 6, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते क्योंकि 6 तक ही तो रिलेशन बन सकते हैं। आप ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, ए 1 रखोगे तो कितनी आएगी बी की वैल्यू, 1 और 1, 2, 2 रखोगे तो 2 और 1, 3, ऐसे मैंने ये बना दिए। ये पहला ए का है तो दूसरा बी का मान है, पहला डोमेन है तो दूसरा रेंज है, ठीक है? तो चलिए अब मुझे देखना है ए दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहली प्रॉपर्टी, हे आर 1 बिलोंग्स टू ए, तब हमने देखा 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें 1, 1 है ही नहीं, ठीक है? इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 बिलोंग्स टू ए, 4, 4 इस रिलेशन में है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो मुझे दिख रहा है ही नहीं है। अब लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नाम तो जान गए होंगे आप, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मैं कोई सा एक लेता हूं, चलो 1, 2 ले लेता हूं, हे आर 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन मैंने देखा 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर के। आप ये ले सकते हैं 3, 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4, 3 बिलोंग्स टू नहीं है आर के, अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेशन 2 से है लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं, ये मिल रहा है 3 दोनों में मिल रहा है, मैंने क्या देखा 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 4 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 3 से 3 तो 2, 4 बिलोंग्स टू आर, 2, 4 तो है ही नहीं और मैं कोई ले ही नहीं सकता। कौन से पेयर ले सकते हैं? जिस पेयर में दो एलिमेंट सेम हो, जैसे यहां 3 से 3 कट जाएगा, 2, 4 यहां में है ही नहीं, ये ले सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा, 3, 5 भी नहीं है। एक और दिखाते हैं 3, 4 बिलोंग्स टू आर, 4, 5 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3, 5 बिलोंग नहीं कर रहा आर के, ये कट कर दो, है ही नहीं, 2, 4 भी नहीं है, 3, 5 भी नहीं है। और आप ये भी लिख सकते हैं, देखो 4, 5 बिलोंग्स टू आर, 5, 6 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज
4.6 बिलोंग नहीं कर रहा आर के, तो इनमें से कोई सा है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सो दैट द, इसमें तो सो करा रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, रियल नंबर में ही दे रखे हैं, डिफाइन आर, ये क्वेश्चन 4 है, आर इक्वल्स टू दे रखा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल बी, इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी देखिए, लेट ए ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन एंड इक्वल ए, दोनों बराबर हैं। इसे इधर ले जाइए, देखो कैसे, इसे इधर ले जाइए, ए इज लेस देन एंड इक्वल ए, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ ए रिलेशन ए है, इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, समझ गए कि नहीं? इस ए को अब क्या इधर लिख दो, है तो बराबर ही, आगे पीछे कुछ भी लिख दो सेम आएगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी, ये कह रहा है ए बी, तो मैं लिख रहा हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल बी, इसका सिमेट्रिक बनेगा बी ए बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट बी इज लेस देन एंड इक्वल ए, ये बराबर कहाँ है? यहाँ बी से छोटा ए है, यहाँ इसका उल्टा दिखा दिया, ए से छोटा बी, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक बात बताइए, थ्री इज लेस देन फोर, फोर इज लेस देन थ्री, ये कहाँ तक सही है? है ही नहीं, इक्वल तो बन सकते थे, लेकिन यहाँ चार बड़ा है, यहाँ गलत है, तीन बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं लिखे देता हूँ ए रिलेशन बी, बट बी रिलेशन नहीं है ए के, इसीलिए रिलेशन इज नॉट सिमेट्री। अब ट्रांजिस्टिव देखते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने लेक्चर 1 में अपनी तरफ से वैसे ही बताए हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मैं ले रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इट फॉलो दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखो, इसके लिए हो गया ए इज लेस देन एंड इक्वल बी, इसके लिए हो गया बी इज लेस देन एंड इक्वल सी। अब यहां देखो, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए छोटा या बराबर होगा सी के, ये तो सही बात है, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी बनता ही है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है। मैं आपसे कहूं टू इज लेस देन एंड इक्वल थ्री, थ्री इज लेस देन एंड इक्वल फोर, इसका मतलब टू इज लेस देन एंड इक्वल फोर, यहां समझ लीजिए ये सही दिख रहा है, तीन बड़ा है, यहां चार बड़ा है, यहां भी दो बड़ा है, चार बड़ा है दो से, इसीलिए रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें ए इज लेस देन एंड इक्वल बी की पावर 3 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ था ए इज लेस देन एंड इक्वल बी की पावर 2, अर्थात बी स्क्वायर, जहां मैंने 2 क्वेश्चन में जो भी कुछ लिखा है आप इसमें वही उतार देंगे, बस इतना फर्क है यहां पावर क्यू करेंगे और वहां पावर स्क्वायर थी, तो सेम आपको करना है, कुछ भी नहीं बदलना। अगर मैंने कहीं वहां 2, 3, -1, -4 लिखा तो वही लिखेंगे, बस पावर को चेंज करते हुए चले जाएंगे, तो क्वेश्चन 2 की तरह ही क्वेश्चन 5 हो जाएगा, सेम, कुछ भी बदलाव नहीं है। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन इन द सेट, क्वेश्चन 6 में सेट दे रखा है, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, फिर कह रहा है और रिलेशन दे रखा है उसने, रिलेशन है 1 का 2 से और 2 का 1 से, बाकी कुछ नहीं है, ये कह रहा है इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। तो चलिए इतना तो इसने दे रखा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इसके रिलेशन बनते कितने हैं, एक ही जो रिलेशन है इसके सॉल्यूशन में, सेट अगर ए दे रखा है 1, 2, 3, तो रिलेशन बनेंगे इसके 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, अब 2 का 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, अब 3 का इन तीनों से होगा, 3 का रिलेशन 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, ये टोटल रिलेशन है। हमने देखा 1, 1 है, लेकिन इसमें कहाँ है 1, 1, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो जाएगा?
होगा ही नहीं। चलिए तो मैं लिख रहा हूँ, हे यार, वन कॉमा वन बिलोंग्स टू, वन बिलोंग्स टू ए, ऐसे कर देते हैं, वन ए के अंदर है। तो मैंने यहाँ क्या देखा, द वन कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं इसमें, इसमें तो वन कॉमा टू, टू कॉमा वन है। तो इसका मतलब है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और भी देखते हैं, टू है तो मैं ये भी लिखे देता हूँ, टू कॉमा टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूंकि टू ए में तो है लेकिन इसका रिलेशन दिखाया ही नहीं, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा है सिमेट्रिक। इस रिलेशन में मैंने देखा वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, तो टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है जो है इसमें, उसका रिलेशन इसमें दिखाई दे रहा है, है? रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ये नहीं है आप कहने लगे कि टू कॉमा थ्री नहीं है इसमें, सिमेट्रिक में इसके अंदर ही अंदर रिलेशन होना चाहिए। जैसे ये रिलेशन में है तो इसका उल्टा देखते हैं, इसमें है और हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वन रिलेशन टू है तो टू का रिलेशन वन से है, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी ट्रांजिस्टिव कह रहा है या नहीं, इसी में से लेते हैं, वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, टू से टू हट गया, वन कॉमा वन बिलोंग नहीं कर रहा आर के, है ही नहीं इसके अंदर वन वन, तो ट्रांजिस्टिव भी नहीं है ये, सिर्फ सिमेट्रिक निकला और तो है ही नहीं, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक है,